थोड़ा पीछे जाओ। हाँ हाँ बस बस, वेरी गुड। उठा लो, उठाओ। Hi everyone, welcome back to my channel Mama and Shivai, and here is another fun weekend vlog जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ हर थर्सडे। सो आज है 21st of August, आज मेरी सिस्टर के बेटे का बर्थडे होता है। सो शिवा इज वेरी एक्साइटेड, मैंने उसको बताया आज कृष्णा भैया का बर्थडे है। सो ही इज वेरी एक्साइटेड, मैं उसे सुबह से सिखा रही हूँ कि हम कृष्णा भैया के बर्थडे पे जाएंगे, हम वहाँ पे केक कट करेंगे, आपको भैया को विश करना है, आपको भैया के बर्थडे पे डांस करना है, तो ही इज क्वाइट एक्साइटेड। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आज मैं आपको मिलवाती हूँ कृष्णा के दादाजी से। कृष्णा के दादाजी मोहम्मद रफ़ी साहब के, शम्मी कपूर के एंड धर्मेंद्र के बहुत बड़े फ़ैन हैं। एंड हमेशा उनके घर में कोई ओकेजन होता है, जैसे कृष्णा का बर्थडे हुआ या उनका बर्थडे हुआ या मेरे जीजू का बर्थडे होता है, दीदी का बर्थडे होता है, तो वो एक सोलो परफॉर्मेंस अपने फेवरेट गाने पर ज़रूर देते हैं। तो आज वो शम्मी कपूर के गाने के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज वो इतना थोरली इंजॉय करते हुए परफॉर्मेंस देते हैं, खो जाता है परफॉर्मेंस पे, कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। हैप्पी बर्थडे का दो भैया को।
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Krishna. Bless you. May God bless you. Happy birthday, Krishna. Shivai, भैया का happy birthday कर दो. So we are back. Shivai के भाई का birthday बना के हम वापस आ गए हैं. आज शिवाय ने इतनी मस्ती करी, वो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा. मैंने उसको जिस गाने पे डांस करने के लिए बोला, उन सारे गानों पे उसने डांस किया. अपने भाई को अच्छे से विश किया, उसके साथ केक कट करवाया, तो उसने बहुत ज्यादा आज एंजॉय किया. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आपके बेबी का मूड कैसा है. आज मेरे बच्चे का मूड अच्छा था तो उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, अदरवाइज वो कभी कभी ऐसा कर देता है कि मेरा भी मूड खराब हो जाता है. बट टच वुड आज ऐसा नहीं था एंड उसने अच्छे से सेलिब्रेट किया, उसे सारी चीजें देखी. तो मुझे लगता है कि अब उसका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ गया है एंड थोड़ा वो सोशल होने लगा है, तो लोगों के साथ आराम से वो हंसता खेलता है. ऐसा नहीं है कि किसी को देख के रोएगा. तो उस चीज से आई एम वेरी हैप्पी. एंड दीदी के यहाँ जैसे उन्होंने चिप्स वगैरह शुरू में दिए, तो उसने सारी प्लेट अपने पास रख ली कि मेरे हैं सारे चिप्स, मैं किसी को खाने के लिए नहीं दूंगा. फिर मैं उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा, ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है. एंड मैं बोलती जाओ मासा जी को देख के आओ, जाओ दादी को देख के आओ, या फिर जाओ पापा को देख के आओ. तो उनको देख के आ रहा था थोड़ा थोड़ा. तो इस तरह से उसको मैं शेयरिंग सिखा रही थी कि नहीं, जो आया है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है. सो देखा आपने शिवाय ने कितना सारा डांस किया. एंड शिवाय को मैंने अभी नया लेटेस्ट दो तीन दिन से एक गाने पे मैं उसको सिखा रही थी, बाला बाला पे, कि बाला बाला पे ऐसे कहते हैं बाला बाला शैतान का साला. बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो शो ही नहीं कर रहा था कि उसको आ गया है. सो मुझे लग रहा था कि अभी शायद उसको नहीं आया, दो चार दिन और सिखाऊंगी तो आ जाएगा. एंड उसने कृष्णा के बर्थडे पे जब ये गाना चला तो उसने बाला बाला किया, इतने अच्छे से किया. मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने उसको जो सिखाया उसने दो तीन दिन में सीख लिया. बट अगर मैं उसको बोलूंगी बेटा बाला बाला कर दो तो वो नहीं करेगा. अचानक से गाना बजा एंड उसने पूरे मूव्स करके दिखाया, इतना अच्छा, इतना फनी लग रहा था. एंड आई वॉज सो हैप्पी. तो अब चलते हैं किचन की तरफ. एंड आज मेरे किचन में क्या बनेगा, एनी गेस? आपको भी देख के लग रहा होगा कुछ बहुत हेल्दी बनने वाला है. बहुत सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो रही है, कैप्सिकम है, कैरेट है, अनियन है. तो देख के आपको लग रहा होगा मैं कुछ बहुत हेल्दी बनाने वाली हूँ. एनी गेस? तो आज मैं बना रही हूँ चाउमीन. दिस इज अ जंक फूड, तो ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है. बट क्योंकि कोविड की वजह से हम घर में कैद हो गए हैं, बाहर का खाना हम बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, सब कुछ घर में बन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक्सपेरिमेंट किया जाए चाउमीन के साथ. वैसे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैं चाउमीन बना रही हूँ, बट दो तीन बार से जब मैं बना रही थी तो मेरी चाउमीन में चिपक जाती थी कढ़ाई के अंदर. तो मैंने अपनी सिस्टर से रेसिपी पूछी, आज उन्होंने मुझे थोड़ी सी ट्रिक बताई कि अगर इस तरह से बनाओगे तो चाउमीन आपकी नहीं चिपकेगी. एंड अभी देखे मुझे लग रहा है कि पिछले दो तीन बार से मैंने जैसे बनाई उससे काफ़ी अच्छी एंड इम्प्रूव्ड चाउमीन आज बन रही है. उसमें जितने भी मसाले होते हैं वो मैं डाल चुकी हूँ. इसके अलावा सोया सॉस हो गया एंड विनेगर हो गया, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है. थोड़ी सी मैंने इसके अंदर केचप ऐड की है. तो बेस्ड अपॉन आप कितना स्पाइसी खाते हो उतने मसाले आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो. एंड देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बस मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है. और ये देखिए यहाँ जनाब शिवाय के पास फुर्सत ही नहीं है मम्मा से बात करने की. ये जो ब्लू कलर की टोकरी दिख रही है ना आपको, इसके अंदर मैं आलू एंड प्याज रखती हूँ. तो वो क्या करता है, प्याज सारे टोकरी से निकालता है एंड उनके छिलके उतार उतार के वापस रख देता है. फिर वो दूसरा प्याज निकालेगा, उसके सारे छिलके उतारेगा एंड फिर उसको वो वापस रख देगा. तो मैं जब प्याज छीलती हूँ तो ऑलरेडी उसकी एक लेयर तो वो उतरी हुई मिलती है मुझे, हमेशा शिवाय उतार के रखता है.
और प्याज के छिलके उतारने के बाद उसका काम नहीं चलता है, अभी भी काम पेंडिंग है, क्योंकि वो जो छिलके हो गए हैं उनसे उन्होंने सब्जी भी बना ली है। सब्जी बनाने के बाद उनको लग रहा है अभी वेस्ट हो गया है, इसको वापस से सफाई करनी है। तो ये वाइपर हम स्पेशली शिवाय के लिए रहते हैं। शिवाय थोड़े से नमकीन गिरा देता है, कुछ भी गिरा देता है, तो इस वाइपर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सो शिवाय को भी ये यूज़ करना आता है एंड उसे पता है कि यहाँ पे मैंने छिलके गिराए हैं तो मुझे साफ़ करना है। सो अभी वो वही कर रहा है, जिस तरह से वो मम्मी को देखता है काम करते हुए, सेम वही रिपीट करता है। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए, शिवाय से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।